हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, हम जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ी। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और हमारे साथ 6 बंदे हैं। हम 6 ही जा रहे हैं, हमारे गांव के हैं। तो गाइस, चलते हैं। चित्तौड़ पहुंच चुके हैं और भूख लग रही है, तो यहाँ कुछ खाने के लिए रुके हैं। तो ये सब किला देखने जाएंगे अभी, थोड़ी भूख लग रही है, खा लेते हैं यहाँ पे मस्त। तो गाइस, अब हम किले के अंदर जा रहे हैं। तो ये किले का पहला दरवाज़ा है, ऐसे 6 और दरवाजे हैं, कुल 7 दरवाजे हैं। तो गाइस, अब किले के अंदर चलते हैं। अंदर और भी मस्त मस्त सीन है, तो इस चलते हैं। तो गाइस, ये महल है और यहाँ पर राजा महाराजा रहते थे, रानियाँ वगैरह सब यहीं पे रहती थी। और कितना बड़ा है, कितना प्यारा लग रहा है। तो गाइस, आगे चलते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम काली का मंदिर पर जाएंगे, वहाँ दर्शन करने के बाद पूरे किले पे घूमेंगे। तो गाइस, अब अंदर चलते हैं मंदिर के अंदर। तो गाइस, अंदर से कुछ ऐसा दिखता है मंदिर। तो गाइस, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, आप भी कभी यहाँ घूमने आओ तो यहाँ ज़रूर आना मंदिर पर। तो गाइस, ये बहुत ही बड़ा मंदिर है। तो गाइस, अब जा रहे हैं इंडिया का सबसे बड़ा किला देखने, जो 700 एकड़ में फैला हुआ है। और यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दिए और जा रहे हैं अब किला देखने। तो गाइस, हमारे सामने है विजय स्तंभ, जो दूर से छोटा लग रहा है लेकिन पास में इतना बड़ा है कि कैमरे से भी सही नहीं दिखता है। तो गाइस, पास में चलकर देखते हैं। तो गाइस, ये पास से कुछ इस तरह का दिखता है, ये 9 मंजिला स्तंभ है। गाइस, आगे देखते हैं। तो गाइस, ये वो जगह है जहाँ रानियों ने जोर किया था, जहाँ पद्मावती रानी ने भी यहाँ पे जोर किया था। तो गाइस, इस तरफ मंदिर ही मंदिर है, यहाँ मंदिर है और बीच में है उस तरफ मंदिर है। यहाँ पे बंदर मस्त बैठकर चने खा रहा है। और जो हमारे सामने मंदिर दिख रहा है, ये शिव जी का मंदिर है। इस मंदिर का नाम है समदेश्वर महादेव मंदिर। तो गाइस, ये वो कुंड है जहाँ पर रानिया नहाने आती थी। तो गाइस, ये 40 से 50 फीट गहरा है। तो गाइस, सामने जहाँ पुजारी खड़े हैं वहाँ पे एक झरना बहता है, उस झरने का नाम है गोमुख। उसी के नाम पर इस कुंड का नाम पड़ा, गोमुख कुंड। तो गाइस, यहाँ से पूरी चित्तौड़ दिखती है, पूरी की पूरी चित्तौड़ यहाँ से दिख जाती है, इतनी प्यारी सिटी है। तो गाइस, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।